सो आज हम जा रहे हैं अभी 10:51 वाली ट्रेन लेंगे हम कुर्ला से एंड वील रीच अराउंड 1. तो माथेरान एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, जिसका सी लेवल डिस्टेंस अराउंड 2600 फीट है. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड के द्वारा उस जगह को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है. मतलब आप वहाँ कोई भी व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो. यू हैव टू पार्क योर व्हीकल एट द एंट्रेंस ओनली. तो माथेरान जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन लोकल है. आप कुर्ला से नेरल तक की लोकल ले सकते हो, जो अराउंड 1 hour 18-20 minutes में आपको नेरल स्टेशन उतार देगी. फिर नेरल स्टेशन उतरने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया. और नेरल से माथेरान के लिए भी टॉय ट्रेन चलती है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल बंद थी. वो बोल रहे थे कि वो मे बी अक्टूबर से चालू होगा. तो नेरल से माथेरान की टॉय ट्रेन की फेयर 75 rupees है फॉर सेकेंड क्लास एंड 300 फॉर फर्स्ट क्लास. हमारे पास टॉय ट्रेन का ऑप्शन नहीं था फ्रॉम नेरल टू माथेरान, तो हमने शेयरिंग टैक्सी की अमन लॉन्च तक के लिए, जो कि टैक्सी स्टैंड है. तो शेयरिंग टैक्सी में हमें 100 rupees फॉर एडल्ट एंड 50 rupees फॉर चाइल्ड चार्ज किया. इट टुक अस अराउंड 45-50 minutes टू रीच अमन लॉन्च, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक. अमन लॉज पहुँचने के बाद हमने वहाँ से टॉय ट्रेन लिया, जिसका फेयर अराउंड सेकेंड क्लास के लिए 45 rupees पर एडल्ट एंड 30 rupees फॉर किड्स. अगर आप फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं तो 300 अराउंड फॉर एडल्ट एंड 180 फॉर चिल्ड्रन ऐसा है. टॉय ट्रेन की टिकट्स आपको सिर्फ यहाँ काउंटर से ही, अमन लॉज के काउंटर से ही मिलेगी. और हाँ, अगर आप भी रेलवे वाले हैं हमारी तरह, तो आपका रेलवे का पास या आई कार्ड टॉय ट्रेन के लिए वैलिड नहीं होगा.
माथेरान में व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ जगह जगह आपको हाथ वाला रिक्शा या फिर है ना घोड़े की सवारी का ऑप्शन मिलेगा, आप वो ले सकते हो एंड वो वहाँ पॉइंट्स कवर भी करवाते हैं एंड वापस आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। माथेरान में ये सारे पॉइंट्स हैं घूमने के लिए, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। बेस्ट ये होगा कि आप माथेरान आओ, एक दिन स्टे करो, ओवरनाइट स्टे, क्योंकि रात को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है वहाँ पे, एंड देन पॉइंट्स कवर करो, नेक्स्ट डे निकल जाओ। माथेरान से अमन लॉन जाने के लिए लास्ट टॉय ट्रेन शाम 4 बजे की ही थी उस टाइम पे। अगर वो मिस हो गया फिर आपके पास दो तीन ही ऑप्शन है, या तो आप हैंड रिक्शा कर सकते हो या फिर वो जो घोड़े रहते हैं वो कर सकते हो, या फिर लास्ट है कि आप पैदल चलो। And that's the end of our Maathiran trip. Thank you for watching.